राजमहल संसदीय सीट से जेएमएम उम्मीदवार विजय हांसदा पहली बार पाकुड़ पहुंचे हैं और ट्रेन से पहुंचे। इस दौरान वो अपने कार्यकर्ताओं से मिले और इसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। देखिए, सबसे पहला बात कि एक चीज को समझना होगा कि जनता आपको जो है सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, जगह पे पहुंचाती है। आज 10 साल में जितने भी मुद्दे थे, अब मुद्दा जो 2014 से पहले जिन मुद्दों को लेकर के सरकार में आया गया, आज 2024 में हम लोग खड़े हैं, वो सारे मुद्दे चले गए। अब आज आप देख रहे हैं जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे जिस तरह से बात हो रही है, आज चीन लगातार हमारे सीमा में जिस तरह से घुस रही है, लगातार महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, और सीधे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि महंगाई की मार के साथ, बेरोजगारी के साथ, और लगातार जो कहा जाता है 56 इंच का सीना चाइना हमारे अंदर बॉर्डर में घुसा चला जा रहा है, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से सदी का सबसे बड़ा, एक तरह से कहिए, एक्सटॉर्शन इस देश के अंदर में जिस तरह से बीजेपी ने चलाई है, मुझे लगता है कि जनता ये समझ चुकी है कि सरकार में रहने के लिए एन केन प्रकारेन साम दान दंड भेद बीजेपी करने के लिए तैयार है, वो अपना पॉकेट भरने के लिए तैयार है। अगर 15 लाख जो है अकाउंट में देने की जो बात हो रही थी, वो 15 लाख किसी अकाउंट में तो आया नहीं, लेकिन उनका इलेक्टोरल बॉन्ड